समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, वो मैसूर राज्य के रूलर थे, जो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे और उनका असली नाम था फतेह अली खान साहब। लेकिन वो टीपू सुल्तान या टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से ही जाने जाते हैं और उन्हें फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट को भी लॉन्च किया था, जिसे दुनिया का सबसे पहला रॉकेट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनके पिता के फ्रांसीसी के साथ काफी अच्छे राजनीतिक संबंध थे और जिसके कारण टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला और उन्होंने अपनी सेना को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया था। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर उनसे लड़ने के लिए अपने पिता की नीति को जारी रखा था। जी हाँ, उन्होंने टाइगर को अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वो अपने दोस्त, जो कि एक फ्रांस ऑफिसर थे, उनके साथ शिकार पर गए थे, तब उन्होंने बिना डरे बाघ को मार गिराया था और तब से उन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से बुलाया जाने लगा। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। उन्होंने अपने शासन में 3 बड़े युद्ध किए और तीसरे युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई साल 1779 में एंग्लो मैसूर वॉर थी, जिसमें उन्होंने मंगलोर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त किया और सफलता हासिल की। और जब वो ये वॉर जीत गए थे तब काफी बड़ा सेलिब्रेशन भी किया गया था और इस दिन को ब्रिटेन में पब्लिक हॉलिडे के रूप में जाहिर कर दिया गया था, क्योंकि टीपू सुल्तान ब्रिटिश का सबसे बड़ा खतरा था। अगर वो होते तो अंग्रेजों का शासन कभी भी इंडिया में इतना नहीं टाल पाता। और टीपू सुल्तान के जैसे एक बहादुर वॉरियर की कहानी हमें बाहुबली 3 में भी दिखाई जाने वाली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इस पर क्या व्यूज है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।